हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का जो A52s वाला मॉडल है उसके अंदर एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया है बोल सकते हैं, या फिर एक नया अपडेट आया है और उसके अंदर वहां पर जो सिक्योरिटी लेवल है, सिक्योरिटी पैच लेवल है, उसको भी अपडेट कर दिया गया है। जो कि पहले मार्च का था, अब उसको वहां पर लेटेस्ट भी कर दिया गया। आप क्या लेटेस्ट बोल सकते हैं, अप्रैल तो लास्ट चला ही गया है, फिर भी उन्होंने अभी उसको अप्रैल की सिक्योरिटी का पैच अपडेट दिया है और साथ में कुछ इनहांस और कुछ बग्स को भी फिक्स किया गया है। तो आगे आपको बताता हूँ कितने MB का अपडेट आया है और उसके बाद देखते हैं कुछ नए अपडेट्स या कुछ नए फीचर लगते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरो और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग A52s के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट में एन बना हुआ दिख जाएगा। अगर आपके पास ऐसा नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पर जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट में, यहाँ पर डाउनलोड इंस्टॉल पर क्लिक करना है और वहाँ पर चेक फॉर अपडेट का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप चेक फॉर अपडेट में क्लिक करेंगे और वो वहाँ पर आपको बता देगा कि भैया लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या किया गया है। यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर अपडेट कैन इंक्लूड बट इज नॉट लिमिटेड टू डिवाइस स्टेबिलिटी को भी इंप्रूव किया गया है और साथ में कुछ बग्स को यहाँ पर फिक्स किया गया है। साथ में कुछ न्यू एंड और एनहांस फीचर को वहां पर एड ऑन किया गया है और फर्दर इंप्रूवमेंट एंड प्रोसेस। जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आता है उसमें कोई ना कोई अपडेट में कुछ ना कुछ फर्दर इंप्रूवमेंट तो होता ही होता है। तो हमेशा आपको अपने मोबाइल को सॉफ्टवेयर अपडेट करके रखना चाहिए ताकि कोई भी लेटेस्ट मालवेयर से आपकी सिक्योरिटी आपके मोबाइल की बनी रहे। और नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे इसका जो साइज है 209.91 MB का ये साइज है अपडेट का और साथ में आपकी सिक्योरिटी पैच लेवल को यहां पर अपडेट कर दिया गया है। अब आपकी सिक्योरिटी पैच लेवल 1 अप्रैल 2022 के लिए कर दी गई है। तो आपको सिंपल इसको डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। और एक चीज हमेशा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जब भी सॉफ्टवेयर अपडेट वाली वीडियो बनाता हूँ, कि जब भी आप अपने मोबाइल को सॉफ्टवेयर अपडेट करें तो आपके मोबाइल की जो बैटरी परसेंट है अबव होनी चाहिए 50% से, ताकि आपके मोबाइल कभी भी बीच में स्विच ऑफ नहीं हो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा याद रखें आपके मोबाइल की जो बैटरी है हमेशा 50 से ऊपर होनी चाहिए। लाइक आप देख रहे हैं मेरे मोबाइल की यहाँ पर 73 है, तो हमेशा आपको उसको उससे ऊपर करने के बाद ही इसको अपडेट करना है। तो इसको होने देते हैं तो उसके बाद आगे बताता हूँ। तो फाइनली आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है, आपके मोबाइल की स्पीड के हिसाब से डाउनलोड हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ करेंगे आपका मोबाइल यहाँ पर फुली रिस्टार्ट होगा और ये मे बी 5 to 10 minutes या बोल सकते हैं 15 minutes लेगा पूरी मोबाइल को रिस्टार्ट होने में, या पूरी प्रोसेस को होने देते हैं। तो इस प्रोसेस को होने देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली ये इंस्टॉल हो चुका है और उसके बाद मेरा मोबाइल यहाँ पर रिस्टार्ट हो गया है। अब मैं जैसे ही अनलॉक करूंगा तो ऊपर आप देखेंगे वहां पर एक पॉपअप चल रहा होगा जिसमें आपको दिखेगा कि यहाँ पर अभी भी एंड्रॉइड का जो अपडेट है वो रनिंग कर रहा है। अभी बोलेंगे बैकग्राउंड में वो रन कर रहा है। आप देखेंगे जैसे कि मैं नीचे करूँ, थोड़ा सा इसको रनिंग चलने में थोड़ा स्लो होगा क्योंकि अभी रिबूट हुआ है और अभी अपडेट भी हुआ है। तो उसको एक बार होने देंगे, जैसे ये पूरी तरह से फुली कंप्लीट हो जाएगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें लिखा होगा कि आपका मोबाइल यहाँ पर फुली अपडेटेड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों फाइनली ये मेरा मोबाइल अपडेट हो चुका है और आपको नीचे नोटिफिकेशन आ गया, सॉफ्टवेयर अपडेट, योर मोबाइल हैज बीन अपडेटेड। अब जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप यहाँ पर अपने मोबाइल की सेटिंग पे जाएंगे। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जाएंगे आप अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर अपडेट में या फिर अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जाने के बाद आपको जाना है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपकी सिक्योरिटी पेज लेवल है एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज, वो लेकर लेटेस्ट अपडेट हो चुका है और यहाँ पर आपका जो UI है वो वहीं का वहीं है। मतलब कि सिंपल यहाँ पर सिक्योरिटी अपडेट आपको दिया गया है और इसके साथ कुछ बग्स फिक्स किए गए हैं। जैसे लाइक मुझे अपडेट होने के बाद 4.1 अपडेट होने के बाद मेरे को बग सबसे ज़्यादा लगा कि मोबाइल की जो बैटरी है ड्रेन होना और मोबाइल हैंग होना। अगर ये मुझे लगता है कि इस अपडेट के बाद सोल्यूशन मिल जाएगा और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि इस अपडेट में मुझे क्या लगता है लेटेस्ट नया आया है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।